और आपने पूरे संसदीय क्षेत्र का भ्रमण किया, आपके पक्ष में क्या लहर ले लेंगे? राजनीति लहर विश्वास रखता है, राजनीति सिस्टम विश्वास रखता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी 3 बार से 3 नवंबर है, बहुत ज़्यादा हमें जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का स्नेह प्रेम सहयोग मिल रहा है, और लग रहा है इस बार 2 नंबर वाला हटेगा और 3 नंबर वाला 1 नंबर पर जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या बता रही है? उत्तर जैसा आप जानते हैं, अभी लगातार आज तक एक दिन हम देख रहे थे, सुविता सिंह आपका मीडिया के जो पत्रकार है बता रहे थे, 75 सीट गठबंधन में जाएगा, और उसी मुखिया अखिलेश जी ने बहन जी को PM मान लिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता पूरे स्नेह प्रेम सहयोग से बहन जी के पक्ष में अपना एक एक वोट दे करके इस देश की मुखिया को PM बनाने के लिए दिन रात कर दिया, जैसा आप इस चीज़ को जानते हैं। अगर आप बक्सर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर जाते हैं संसद में, आप प्राथमिकता क्या होगी? पहली हमारी प्राथमिकता यही होगी, जिसने बक्सर के संसदीय क्षेत्र में जीत करके बक्सर की जनता ने प्रतिनिधि बनाया, और प्रतिनिधि बन करके जिन्होंने वादा किया और ये वादा खिलाफी किए, मैं बक्सर की जनता के बीच में बैठूंगा, और जो इनकी वादा खिलाफी होगी उसको ही मैं एजेंडा बना करके उसके निदान के लिए प्रयत्न कोशिश करूँगा। लोकसभा क्षेत्र यहाँ विधानसभा और खास करके दावत से पूरा पिछड़ा क्षेत्र है, इसके लिए आपका क्या प्लान? बक्सर पार्लियामेंट ही पिछड़ा है, अगर बक्सर पार्लियामेंट पिछड़ा नहीं होता तो जिस अश्विनी बाबा को यहाँ के लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, वहाँ की जनता ने नकार दिया था, उन्हें तड़ीपार घोषित कर दिया था भागलपुर में, और हम जैसे लोगों ने उनको MP बनाया और हमें खरा नहीं उतरे, यहाँ की जो एम्स जैसे हॉस्पिटल को ले जाकर बाबा ने भागलपुर में बैठाने का काम किया, तो मैं जानता हूँ कि हम लोग पिछड़े हुए लोग हैं, मैं भी आम वोटर की तरह हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, कल जनता आप सबको सुनोगे मैं MP बनूंगा, वो बात की बात है, लेकिन पिछड़े हुए लोग हम हैं, मैं कोशिश करूंगा कि बक्सर पार्लियामेंट में जितनी भी समस्या और पिछड़ापन होगा उसे मैं लड़ करके, इस देश का चाहे जो भी प्रधानमंत्री होगा, मैं उसे लड़ करके MP के तौर पर यहाँ कोशिश करने की, उसकी भरपाई करने का काम करूंगा।